टाइगर 3 का लेके प्रभु का नाम गाना इस वक्त जमकर वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पर ट्रेंडिंग लिस्ट में बच रहा है। इस गाने में सलमान और कटरीना के हुक स्टेप ने फैंस को दीवाना बना दिया है और जनता बौखला गई है इसी गाने पर सलमान के इस हुक स्टेप को दोहराने के लिए। हालांकि इस गाने की एक खास बात ये है कि इसका सिर्फ हुक स्टेप ही जबरदस्त आई कैचिंग नहीं है बल्कि पूरा डांस ही एकदम फर्स्ट क्लास है। सलमान का पैरों से झुककर स्टेप करना, बॉडी मूव करना, फेशियल एक्सप्रेशन देना और न जाने क्या क्या, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। हर कोई जानना चाहता है कि भाईजान ने टाइगर 3 के लिए इतना सेक्सी डांस कैसे किया। तो चलिए आइए बताते हैं आपको इस गाने के शूट होने के पीछे की पूरी बैक स्टेज स्टोरी, जो अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी कोरियोग्राफर ने खोल डाली है। कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को टाइगर जिंदा है में स्वैग से स्वागत के बाद सलमान और कटरीना के साथ एक और ब्लॉकबस्टर गाना देने की जिम्मेदारी दी गई थी। वैभवी लेके प्रभु का नाम को जो रिएक्शन मिले हैं उसे लेकर बेहद खुश हैं। ऐसे में जब टाइगर 3 के इस गाने की कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट से पूछा गया कि सलमान और कटरीना के बारे में ऐसा क्या है, लोग उन्हें एक साथ डांस करते देखना पसंद करते हैं, तो वो तुरंत कहती नजर आई, मुझे लगता है कि उनकी केमिस्ट्री, गहरी दोस्ती और जिस सहजता से वो फ्रेम को शेयर करते हैं सलमान के साथ, आप पहले से ही सक्सेसफुल हैं, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें कैमरे के सामने लाते हैं आधी लड़ाई जीत लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिखते हैं और वो बहुत ही हैंडसम है और आप उन्हें किसी भी एंगल से शूट कर सकते हैं। कटरीना कैमरे पर जीवंत यानी कि लाइवली हो उठती हैं, वरना वो तो बहुत सीधी सादगी लड़की हैं। असल जिंदगी में वो बहुत सादगी से रहती हैं, लेकिन जैसे ही पर्दे पर आती हैं तो वो अपने सामान और हर चीज को लेकर काफी ध्यान रखती हैं, इसलिए जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो वो कटरीना कैफ होती हैं। इसके आगे वैभवी टाइगर 3 के लेके प्रभु का नाम गाने की शूट को लेकर काफी कुछ बताती हैं। वो कहती हैं, वो मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, मैं उनके साथ, वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं और दर्शक उन्हें देखने में कंफर्टेबल हैं। वो उन्हें एक साथ देखना पसंद करते हैं, वो दो बहुत अच्छे दिखने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि जब दो बहुत अच्छे दिखने वाले लोग एक साथ होते हैं तो आधी लड़ाई जीत ली जाती है। उनके फैंस उनकी जोड़ी और केमिस्ट्री को पसंद करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 2 मिनट के वीडियो की केमिस्ट्री जब लोगों के दिल में इतनी घर कर गई है तो 3 घंटे तक ये केमिस्ट्री ना जाने बॉक्स ऑफिस पर कौन सा कमाल दिखाएगी और कैसा कहर बरपाएगी। आप लोगों का इस गाने पर क्या कुछ कहना है, शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।